हेलो माय ब्यूटीफुल मीटूज पैशन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, देखते देखते 3 हफ्ता बीत चुका है। अभी जाने की बारी है नागपुर। तो हम लोग सुबह सुबह ही निकल चुके हैं नागपुर के लिए। वैसे यहाँ का जो नज़ारा है ना, देखने में भी मन शांत हो जाता है। उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे लग रहे थे जाते टाइम पे। गाइस, 3 हफ्ता देखते देखते कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। सब कुछ बीत गया, पगफेरा का रसम ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से ससुराल आई, आने के बाद 2 दिन रुकी वहाँ पे, फिर उसके बाद नागपुर में जा रही हूँ। छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है पूरे 3 हफ्ते की। बीच में हम लोग रुक के ब्रेक भी लेते हैं, क्योंकि पूरे 300 किलोमीटर की जर्नी है। तो 300 किलोमीटर की जर्नी के बीच में ब्रेक लेना तो बनता ही है। तो बीच में रुक के हम थोड़ा सा नाश्ता किए, फिर बीच में और एक बार रुके, थोड़ा सा रुक के रेस्ट लिए 1 आधा घंटा का। फिर उसके बाद फिर हम वापस निकले घर के लिए। घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद कुछ नॉर्मल सा खाना बनाए और फिर उसी को खा लिए हैं। आज का दिन कुछ ऐसे बीता कि जर्नी जर्नी में बीत गया है। और आजकल हम दोनों एक प्लेट में खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे कि 2 जन एक प्लेट में कैसे खाना खाते। अरे भाई, दोबारा ले लेते हैं अगर चाहिए होता है तो। लेकिन आजकल ज़्यादातर हम एक प्लेट में ही खाना खा रहे हैं। गाइस, अगर मेरी व्लॉग आप सब लोगों को पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए, और आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ उस लायक बनने के लिए, कम से कम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाजू में जो नीनी नीनी वाली बेल बटन है ना, उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरी कोई वीडियो आएंगे उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगे। ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग, और उसमें कुछ नाश्ता मैंने बनाया और उसके साथ साथ था चाय। गाइज, कुछ इस तरीके से ज़िंदगी मेरी बीत रही थी। 3 से 4 दिन बीता, उसी के बीच में ज़िंदगी में और एक मोड़ ले लिया है। वो क्या मोड़ लिया है, ये आने वाले व्लॉग में आप सब लोगों को पता चलेगा। तो जानने के लिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। बस 3 से 4 दिन में पहुंची यहाँ पे। 30 को 31 बीता, 1 तारीख 2 तारीख कुछ ऐसे ही बीता। हम थोड़ा सा जो 3 हफ्ते हमारे ऊपर से, जो मतलब बोल सकते हो कि इतना मेहनत हमने किया है, उसी का रेस्ट लेते लेते 3 से 4 दिन बीत गया है। और उसके बाद जो ज़िंदगी ने मोड़ लिया, उसके लिए फिर से हमें घर जाना पड़ रहा है। तो उसी चीज़ के लिए हम तैयारी शुरू ही कर रहे थे। और यहाँ पे मैं मोबाइल हमेशा ऐसे झुक झुक के देखती हूँ कि ये क्या देख रहे हैं। मैं उस टाइम पे अपना खुद का मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादातर। खाते टाइम पे या फिर कुछ और करते टाइम पे ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि ये बंदा क्या देख रहा है, वो देख लूँ, मैं उसी में इंजॉय कर लूँ। बस ऐसा ही कुछ ज़िंदगी बीत रहा है। इंटरेस्टिंग बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा। गाइज, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में शायद आप सब लोगों को पता है, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता नहीं है, जो आने वाले व्लॉग्स में आप सब लोगों को पता चलेगा।